वेलकम टू माई नेक्स्ट वीडियो। काफ़ी ज़्यादा लोगों ने पूछा, मैसेजेस वगैरह किए कि डिपेंडेंट वीज़ा या स्पाउस वीज़ा जो अप्लाई किया तो क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए थी, कितनी फीसेज लगी हैं। तो आज ये वीडियो उसके बारे में है, सिर्फ प्योरली डिपेंडेंट एंड स्पाउस वीज़ा। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, सबसे पहले जो बताऊँगा हम लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं। गलती ये करते हैं कि हम लोग स्पाउस वीज़े पे अप्लाई कर रहे होते हैं जबकि हमें अप्लाई करना होता है डिपेंडेंट वीज़ा। स्पाउस वीज़ा होता है उन लोगों के लिए जो यहाँ के नेशनल है और अपनी बेगमों को बुलाना है पाकिस्तान से या किसी और कंट्री से, इंडिया से, पाकिस्तान से, कोई भी कंट्री हो, तो वो स्पाउस वीज़ा अप्लाई करेंगे जो यहाँ के नेशनल हैं। जो यहाँ पर वर्क वीज़े पे आए हुए हैं, स्टूडेंट वीज़े पे आए हुए हैं, तो वो लोग अप्लाई करेंगे डिपेंडेंट वीज़े के लिए। तो डिपेंडेंट वीज़े के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। जब मैंने अपनी वाइफ का अप्लाई करना शुरू किया था तो मैंने ऑलमोस्ट सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे कर लिए थे, लेकिन एक आध डॉक्यूमेंट की वजह से कुछ टाइम ज़्यादा लग गया। समझ लें अगर 10 दिन में डिसीजन आना था तो वो तकरीबन 18 दिन पे चला गया था। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या तैयार किए थे। अच्छा, डिपेंडेंट वीज़े के लिए आपको आइल्स की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन मैंने फिर भी अपनी वाइफ को कहा था कि भाई आइल्स आप कर लो, कोई पता नहीं होता। हमारा भी फर्स्ट टाइम था कि कोई पता नहीं था कौन सा डॉक्यूमेंट्स किस टाइम वो लोग रिक्वायर्ड कर लें, तो आइल्स मैंने उनसे करवाया था। और हमारा मैरिज सर्टिफिकेट मैं पाकिस्तान से हूँ तो मैरिज सर्टिफिकेट इंग्लिश में करवाया था मैंने, वो आपको निकालना है, इंग्लिश में करवाना है। उसके बाद आपने टीवी टेस्ट करवाना है, टीवी टेस्ट के अलावा आपने अपना करेक्टर सर्टिफिकेट लाजमी बनवाना है। वाइफ का वीज़ा अप्लाई किया था जो मुझे उनकी तरफ से क्वेश्चनिंग हुई थी वो करेक्टर सर्टिफिकेट के लिए हुई थी, हमने करेक्टर सर्टिफिकेट अटैच नहीं किया था, तो उन्होंने करेक्टर सर्टिफिकेट मांगा था। और वो तब का होना चाहिए, सपोज आपकी वाइफ की एज है 20 साल, तो वो मांगेगा 18 साल से लेके 20 साल तक का, जब आपकी वाइफ 18 साल की हुई थी उस दिन से लेके करंट डेट तक का, या 2 साल तक का या साल तक का आपने करेक्टर सर्टिफिकेट उन्हें प्रोवाइड करना होता है। उसके बाद आ जाती है हिस्ट्री। हिस्ट्री में क्या आ जाता है, लाइक अब वो चेक करते हैं, प्रूफ लेते हैं कि भाई वाकई आप दोनों मियां बीवी हैं भी या नहीं, आए हैं बस लगाया हुआ, गपशप लगाई हुई है। तो इसके लिए आपकी जो है कन्वर्सेशन की चैट, जो आपकी चैट होती है उसका रिकॉर्ड होना चाहिए तकरीबन 2-3 महीनों का। आप उन्हें स्क्रीन शॉट PDF बना के भेजें, आपकी पिक्चर्स, मैरिज पिक्चर्स हो गई, या आप लोगों ने टाइम साथ गुजारा है तो उसकी पिक्चर्स हो गई, मतलब उन्हें यकीन दिलाने का, हाँ भाई हम दोनों मियां बीवी हैं और हम दोनों की शादी हुए हुई ये इतना टाइम हो गया और ये हमारी पिक्चर्स हैं, चैट हो गई, पिक्चर्स हो गई। और फिर अगर आप अपनी वाइफ को पैसे ट्रांसफ़र करते रहे हैं UK से यहाँ से, तो उसके स्क्रीनशॉट्स भेज दें, कोशिश करें कि अपनी बेगम का अकाउंट बना हुआ और उसके अकाउंट के अंदर ही पैसे जा रहे हों, क्योंकि जब वो आपकी बेगम के नाम का देखते हैं कि हाँ भाई अकाउंट बना हुआ है, हर महीने इधर पैसे ही भिजवा रहे हैं, तो उन्हें इस बात से और वो होता है कि हाँ भाई ये जेन्युइन केस है। वैसे तो डिपेंडेंट वीज़ा आपका कभी भी रिजेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द UK लॉ वो आप लोगों को रोक ही नहीं सकते कि आप अपने डिपेंडेंट को इधर ना बुला सकें। स्टूडेंट्स का क्या होता है कि भाई स्टूडेंट्स का पहले जहाँ तक मेरा नॉलेज है कि बैचलर्स वाले नहीं बुला सकते थे, मास्टर वाले बुला सकते हैं। अब इस मुझे इसका इस बारे में इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन ये कि उन्होंने भी डिपेंडेंट वीज़ा ही अप्लाई करना, उनके भी सेम ये प्रोसीजर होते हैं। और सबसे अहम चीज़ आगे CS लेटर अटैच होगा। CS लेटर के अंदर अब मुझे क्या फ़ायदा हुआ था कि मेरी कंपनी ने उधर, एक होता है कि आप जब किसी डिपेंडेंट को अपने बुलाने लगते हैं तो कंपनी आपको सपोर्ट करती है 1 महीने के लिए, जिसकी वजह से आपको अपनी बैंक स्टेटमेंट और सैलरी सर्टिफिकेट या रेंटल एग्रीमेंट आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मैंने ये सब नहीं दिखाया था। और FRC फॉर्म आपका चाहिए होता है। FRC फॉर्म क्या होता है, जो आपको नादरा से मिल जाता है पाकिस्तान से, फैमिली ट्री फॉर्म उसे कहते हैं, तो वो आपको निकलवाना होता है। इसके अलावा हाँ, फीसेस कितनी लगी हैं। अच्छा, फीसेस की वजह से मैं काफ़ी परेशान था, मेरा ख्याल था मेरे शायद कोई £3500 या £4000 लग जाएंगे, 3500-4000। बट द थिंग इज़ व्हेन आई स्टार्ट अप्लाइंग इट कॉस्ट मी लाइक ऑलमोस्ट 2700 इंक्लूडिंग सोलिस्टर फ़ी। सोलिस्टर तो वैसे 1200 मांगते हैं यहाँ पे, लेकिन मुझे कुछ रेफरेंसेस की वजह से एक अच्छे भाई मिल गए, उन्होंने मुझसे सिर्फ 300 चार्ज किए थे सोलिस्टर की। तो अगर आप लोगों को किसी को उसका नंबर चाहिए तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, उसमें इशू नहीं है। और दूसरी चीज़ ये कि आप इजीली खुद भी अपनी वाइफ का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, बस उसमें क्या होता है थोड़ी क्वेश्चनिंग जो है ट्रिकी अंदाज में होती है, उन क्वेश्चंस को समझना होता है और अप्लाई करना कोई मुश्किल नहीं है। मैंने तो खैर अप्लाई की है किसी की हेल्प लेके, क्योंकि मुझे तो बिल्कुल, मैं असल में स्पाउस वीज़ा अप्लाई करने जा रहा था जबकि मुझे डिपेंडेंट वीज़ा अप्लाई करना था, तो उस वजह से फिर मैंने सोलिसिटर से रब्ता किया, उन्होंने फिर मुझे सारा ये सारी चीज़ें हल की। और सबसे बड़ी और अहम चीज़ ये कि जब भी अप्लाई करें डेट वो डालें आप लोग जब अपने वाइफ को बुलाना हो, लाइक आज आपने वीज़ा अप्लाई किया, आप चाहते हैं हफ्ते बाद की डेट डालें तो हफ्ते बाद की डेट डालें, क्योंकि आपके वीज़ा जब लगकर आएगा पासपोर्ट पर उसके ऊपर वही डेट लिखी होगी वीज़ा इंट्री की या आपके इंटरेस्ट की, आप उस डेट से पहले इंटर हो ही नहीं सकते। ये वीडियो का सेकंड पार्ट है। अब जब मैं पहले पार्क के अंदर था, पार्क के बाहर हूँ, 6 बज गए थे और 6 बजे के बाद पार्क क्लोज हो जाता है, सॉरी, तो 6 बजे के बाद पार्क क्लोज होता था। तो अब वीडियो को दोबारा कंटिन्यू करते हैं। तो मैं आपको ये बता रहा था कि आप लोगों ने ख्याल इस चीज़ का रखना है, जब भी आप लोग वीज़ा अप्लाई करें, सपोज आज आपने वीज़ा अप्लाई किया, आज 3 तारीख है और आपने डेट रख दी अराइवल की, वो रख दी 6-7 बजे की,
6-7 तारीख की, तो आपने क्या करना है, अपना जो टिकट करवाना है वो 6-7 के बाद का ही करवाना है, क्योंकि जब आपका वीज़ा लग कर आता है उस वीज़े के ऊपर लिखा होता है कि आपका वीज़ा इंट्री डेट या आपकी जो इंट्री डेट है वो 6 मार्च है या 10 मार्च है फॉर एग्जांपल, जो भी डेट है उससे पहले आप लोग इंटर कर ही नहीं सकते, तो आपने आपने टिकट भी उस डेट के बाद का करवाना है। तो ये तो होगी कुछ इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द डॉक्यूमेंटेशन, कितने पैसे लग जाएंगे। अच्छा, पैसों का जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे जो पैसे लगे थे वो वीज़ा अप्लाई करते हुए तकरीबन मेरे 2700 इंक्लूडिंग कंसल्टेशन फ़ी या सोलिसिटर फ़ी आप कह लो, लेकिन ये डिफरेंट सिनेरियो हो सकता है, क्योंकि आपका जो NHS फ़ी है, हेल्थ सरचार्ज है, वो आपका 3 साल का तकरीबन 1500 कुछ बन जाता है, और आपकी जो वीज़ा फ़ी है वो 1000 कुछ बन जाती है। लेकिन मेरी अब बढ़ गया, लेकिन मेरे टाइम पे जब मैंने अप्लाई किया था वीज़ा, मैंने 31 दिसंबर 2023 पे वीज़ा अप्लाई किया था, उस टाइम मेरी जो फीसिस पड़ी हैं उसमें मुझे पड़ी थी, मैं आपको देख के बताता हूँ, वीज़ा कॉस्ट तकरीबन मेरी आ गई थी, हाँ जी, वीज़ा कॉस्ट मेरी तकरीबन लग गई थी 743 वीज़ा कॉस्ट मेरी लग गई थी 743। NHS फीस जो मेरी लगी थी वो तकरीबन 1613 pounds लगे थे, इनको टोटल कर ले तो आपका वही बन जाता है 2300 और 2400 प्लस 300 कर ले सोलिसिटर फी, तो ये 2700 मेरा जो है काम हो गया था, डिपेंडेंट वीज़े का मैंने अप्लाई कर दिया था, और आफ्टर 18 days मेरी वाइफ का वीज़ा लग चुका था। लेकिन इस 18 days के अंदर एक दफ़ा इन्होंने मुझे ईमेल की थी जिसमें इन्हें करेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए था, जो मैं जैसा कि मैंने आपको बताया, तो करेक्टर सर्टिफिकेट भी आप लाजमी बनाएं। एक दफ़ा फिर दोहरा देता हूँ आप लोगों को क्या क्या चीज़ें चाहिए फिंगर टिप्स पे, करेक्टर सर्टिफिकेट, TB टेस्ट, IELTS, आपका हो गया निकाहनामा इन इंग्लिश, आपका FRC फॉर्म, आपकी कन्वर्जेशन जो भी चैट वगैरह उसका रिकॉर्ड, आपकी पिक्चर्स शादी की हो गई या आपके साथ जो भी टाइम गुजारा है उसकी पिक्चर्स, और आपका जो आप पेमेंट्स वगैरह इन्हें करते रहे हैं, जो पैसे भिजवाते रहे खर्चे के लिए उसके स्क्रीनशॉट्स, तो ये तकरीबन 8 steps बन जाते हैं। इन 8 steps को आपने फॉलो करना, और लड़के को जो वर्क वीज़े पे है उसने क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देने हैं, उसने देना अपना CUS फॉर्म, अपना पासपोर्ट और अपना BRP कार्ड, आपकी वाइफ का भी पासपोर्ट लगेगा, और पासपोर्ट की हर पिक्चर आपने स्कैन करवानी है, तो ये आपने स्कैन वगैरह करवा के PDF फाइल बना के इन सबको अटैच करना है जब भी आप अप्लाई करेंगे। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं अगली वीडियो बनाऊं जिसमें मैं आप लोगों को बताऊं किस कौन सा लिंक से आप लोग क्या कहते हैं डिपेंडेंट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, वो मैं लिंक भी आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, और आपको बता भी दूंगा, गाइड भी कर दूंगा कैसे अप्लाई करना है, तो अगली वीडियो में उस पर बना दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली अगली वीडियो सबसे पहले आपके पास आए। चलो सही।